ये है तनिष जावली यार, इनका भी सेटअप भाई। ये है कसाना डीजे जो कि फाइट में मुझे भाई। ये है प्रिंस डीजे और इनके पे भी लाइनर चढ़ रहा है। इनकी गाड़ी पे भाई अभी 30 पेटी सारपी चढ़ने वाले। हमारे कंस गुज्जर, इनका भी अभी माल वगैरह सब लोडिंग हो रहा है अभी। ये है राधा स्वामी डीजे और इनकी गाड़ी पर लोडिंग का काम तो हो गया, लेकिन लाइटिंग का काम अभी होना बाकी। भाई आ गया इस समय चौधरी डीजे के पास, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा चौधरी डीजे और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। और भाई यार गाड़ी देखकर तो लग रहा है कि यार नाम चलता है इस गाड़ी में, क्यों चलता है ये आप देखेंगे। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और मुझे जहाँ तक पता चला कि इस गाड़ी पर 60-20 सार भी चल रही है, मतलब 30 पेटी सार भी लगाएंगे क्योंकि डबल एक्स प्रो की। और ये गाड़ी अभी निकलेगी 2 दिन बाद, बाकी की चीजें कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं ब्लॉग में। ये जो आपकी सारफी रखी है डबल एक्स प्रो की, ये कितने आर है? 20 आर है। तो ये देख सकते हैं सारा नया माल लगा है भाई यहाँ कावड़ मेले में। यहाँ पर देख सकते हैं ये चौधरी डीजे ने अपना कहर बरसा दिया है भाई। यहाँ पे सब सुन रहे थे सार्जन सार्जन सार्जन, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी भी आई है और भाई की टीम पूरी मेहनत कर रही है। तो मेरी तरफ से भैया जय बोले की ऑल द वेरी बेस्ट है, बाबा का आशीर्वाद इनको मिल जाए। और बहुत प्यारा सेटअप है भाई इनका, बहुत ही प्यारा सेटअप है। एक्स मॉडल ले रहे हैं हमारे एमके डीजे और आशीष लच्छीपुर जैसा कुछ है, लेकिन कुछ 20 यार देखकर तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। सारा माल नया दिख रहा है भाई, एक भी पैकिंग देख रहा हूँ अभी सील भी नहीं खुला है किसी का भी। 60+ सार्फी लगी है, 60+ सार्फी लगी है, मतलब 30 पेटी से ज्यादा सार्फी लगेगी इस गाड़ी पे। और ये गाड़ी पे भी काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद इस गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, इस गाड़ी के बारे में जितना अपडेट दे सकते थे दे दिया आपको, बाकी जो भी होगा आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस डीजे का। भैया ये डीजे एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? चौधरी प्रतापपुर बुलंदशहर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे सामने देख सकते हैं ये हमारे गौरव डीजे हैं और इनकी गाड़ी पर लाइटिंग का काम चल रहा है जो कि अभी टेस्टिंग वगैरह होगी। मुझे लगता है कि अभी लाइटिंग का काम होने के बाद टेस्टिंग होगी और इनकी गाड़ी पर लगभग 80-90% काम हो चुका है। भैया लोग अपना सारवी वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, कलेक्शन वगैरह करने के बाद टेस्टिंग होगी। अभी बढ़ रहे हैं आगे की ओर, बहुत एक लाइन से पूरे डीजे डीजे लगे भाई। मुझे लगता है यहाँ पे 500 से भी ज्यादा डीजे आए हुए हैं, जितना कवर कर सकता हूँ कवर करूंगा। आप लोग प्यार जरूर देना यार। अभी इनका तो गाड़ी लगना अभी शुरू हुआ और इनका माल वगैरह भी सब लोडिंग होगा। सामने गाड़ी खड़ी है और एक से बढ़ के एक धारा है भाई। अभी एक गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, उसकी चलता है सुनाता हूँ मैं आप सभी को। देखिए सारकी वगैरह सब चल रहा है सामने, चलते हैं देखते हैं कौन सी गाड़ी है। दक्ष डीजे आइए, इनकी गाड़ी सुनाते हैं आप सभी को, टेस्टिंग चल रही है। पुर वाले और भाई यार क्या गजब पल्ला वल्ला लगा के चौचक सेटअप लगाया हुआ है, बहुत चौड़ा सेटअप है। अभी इनपे लाइटिंग का काम नहीं हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हैं सारा सामान इनका रखा हुआ है और अभी सारपी की गाड़ी वगैरह बताया जा रहा है कि अभी आएगी और देखते हैं इस पे क्या होता है। ये है तनिष जावली यार, इनका भी सेटअप तो शुरू। तनिष गुज्जर जावली लाइटिंग वगैरह तो अच्छा हुआ है भाई, हॉर्न वगैरह सब लगाया हुआ है।
कितने की है, गाड़ी कब चलेगी, जानते हैं। भैया ये गाड़ी कहाँ की है? जी जावली। जावली कब जाएगी ये गाड़ी? आज निकलेगी। टेस्टिंग कब होगी इसकी? एक घंटे बाद। लाइटिंग वगैरह सब टेस्टिंग होगी। जैसा कि भैया ने बताया कि इस गाड़ी को भी एक घंटे बाद निकलना है, तो चलिए इस गाड़ी को भी जितना कवर कर सकते थे करेंगे और आगे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एक घंटे बाद ये गाड़ी निकलेगी तो हमें तो यहीं रहना है भाई। इस गाड़ी का भी देख कर तो लग रहा है कि बड़ी प्यारी है, सुनने के बाद पता चलेगा कितना प्यारा है। राधा स्वामी डीजे और इनकी गाड़ी पर लोडिंग का काम तो हो गया, लेकिन लाइटिंग का काम अभी होना बाकी है और मुझे लगता है ये गाड़ी भी दो दिन बाद ही जाएगी। फिलहाल मेले में आए हुए सभी गाड़ियों को मेरा काम है कवर करना भाई, और आप लोगों का काम है प्यार जरूर दीजिएगा यार। लंबी होगी वीडियो तो दो पार्ट में ले जाऊंगा, पहले बता दो, तीन चार पाँच आठ दस पार्ट में भी जा सकती है। आपको दिखाता हूँ मैं सामने से, बड़ी प्यारी लग रही है यार। यहाँ पे एक से बढ़ के एक कवर है। ये रही उनकी गाड़ी की सारी लाइटिंग वगैरह। और भैया जय बोले की यार, क्या प्यारा कवर लग रहा है, बहुत ही प्यारा कवर है गाइस। लाइट जलेगी तो और ही प्यारा लगेगा। बोला और अभी इन गाड़ी की स्टार्टिंग होना शुरू हुई है, जैसा कि भैया से बात हुआ है, भैया ने बताया 24-25 को जाएगी और अभी चल रहा है आगे की ओर, देखते हैं और कितनी गाड़ियां यहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां है भाई। गाड़ी में माल देखकर तो लग रहा है कि लोडिंग होगी छोटे, क्योंकि पीछे इनकी काफी माल रखे हुए काफी ज्यादा। तो भाई इनसे मैंने जब पूछा नाम तो कहे यूपी 16, हमको भैया एड्रेस नहीं पूछ रहे, कहे नहीं डीजे का नाम है यूपी 16। भाई चलते हैं आगे देखते हैं। हमारे सामने है हमारे साउंड कंपनी यार, और मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। अब आप ही लोग गाड़ी देखो, क्योंकि इनकी गाड़ी पे भी 40% काम हुआ, ये गाड़ी जाएगी 25 को। मतलब मुझे लगता है कि मैं समय, कुछ गाड़ियों के लिए मैं समय से पहले आ गया हूँ, कुछ गाड़ियों के लिए समय से बाद आया हूँ। फिलहाल अभी जो है इस गाड़ी का सेटअप मैं दिखाता हूँ, फिर आप बताना कैसा है। डीजे अमर, इनका गाड़ी पे लोडिंग तो हो गई है। ये गाड़ी मुझे फाइट करने लायक दिख रही है भाई, और फाइट करेगी भी। नाम चल रही है इस गाड़ी की, यहाँ पे देख रहा हूँ बड़ी पब्लिक है इस गाड़ी के पीछे, एक जगह कोने में खड़ा होके बना रहा हूँ। और अभी इसमें सार्फिंग मतलब लाइटिंग वगैरह काम बाकी है काफी, और टचअप वगैरह भी हो रहा है। तो आज हैप्पी साउंड मुजफ्फरनगर वाले हैप्पी डीजे, और इनका टेस्टिंग वगैरह जो होगा कल होगा। इनका काम तो सारा हो गया, लेकिन कभी कुछ काम अधूरा रह गया होगा, तभी भैया बता रहे हैं कल शाम में इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी। लाइटिंग वगैरह सारी रेडी दिख रही है, साउंड सेटअप तो सब अच्छा लग रहा है इनका। फिलहाल अभी भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि इस गाड़ी का टेस्टिंग और लाइटिंग वगैरह सब कल ही होगा। तो चलिए भैया कल भी आगे अगला जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी के बारे में। भैया ये डीजे भी प्यारा लग रहा है, और हमारे अंजुमान भाई जा रहे हैं पूछने। ये सामने खड़ा है डीजे हनी, और छोटा पैकेट बड़ा धमाका देगा, सेटअप तो बड़ा प्यारा है भाई इस गाड़ी का। बताइए भैया कौन सा डीजे ये? एसके डीजे। एड्रेस क्या है? गाजियाबाद के हैं भैया। ये भैया गाड़ी कब जाएगी भैया? 27 तारीख को निकलेगी। लाइटिंग का काम भी है इस पे? अच्छा, मतलब भैया का कहना है अभी 27 तारीख को गाड़ी निकलेगी। मतलब मुझे लगता है अभी 30-40% ही काम हुआ है। अरे सामने खड़ी है हमारी हनी डीजे, अभी चलते हैं आगे देखते हैं और कौन से डीजे भाई। हमारे कंस गुज्जर, इनका भी अभी माल वगैरह सब लोडिंग हो रहा है अभी। लाइटिंग के काम तो छोड़िए, अभी इनके गाड़ी में भी 30% ही काम हुआ है। आप देख सकते हैं ये शुभ डीजे खड़ा है सामने।
भाई साहब वो वाली गाड़ी बड़ी दबड़ी लग रही थी यार, जो अभी गई है, जो सच बता रहा हूँ क्या बेस उसका अभी आगे जा रहा है, उसका बेस आगे ही है। इनकी गाड़ी पे भाई अभी 30 पेटी सारपी चढ़ने वाली है, वो भी 20 यार, सारी सारपी आके रखी हुई है। पूरी डबल एक्स प्रो की सारपी देख रहे हैं आप, पूरी नई पेटी लगेगी यार इस पे। और अभी तो यहाँ पे आप नीचे देख ही रहे हो सारी, तो गाड़ी के अंदर भी रखी है भाई। 30 से ज्यादा पेटी की सारपी लगाने का भैया ने चैलेंज दिया है। माल भी इस पे चौचक लदा हुआ है गुरु। बाकी अब ये कल होगी टेस्टिंग वगैरह इसकी, तो बाकी जो भी अपडेट आपको कल मिलेगा। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हो यार, प्लीज थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, भूलना नहीं। और हाँ, बताना जरूर कौन सी वीडियो, मतलब कौन सी डीजे अच्छी थी। भाई साहब चौचक माल लोडिंग है इस पे, अभी इस गाड़ी के टेस्टिंग 1 घंटे बाद बता रहे हैं। 1 घंटे बाद का मतलब आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। रावण डीजे और इनका मेन कंपटीशन जो है सार्जेंट से है भाई, इनका भी चौचक लूटिंग है गुरु। और इन्होंने ही शायद 12 लाख का इनाम रखा था, मुझे सुनने में आया था। अभी आप लोग बताना कि किसने सार्जेंट को चैलेंज दिया है 12 लाख का इनाम का। लाइटिंग वाइटिंग तो बड़ी सेक्सी हो रही है गुरु, बहुत डीजे है भाई, बहुत डीजे है यहाँ पे। कब से ढूंढ रहा था मैं रावण डीजे को, फिलहाल इनकी 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ आई हुई है। और ये रहा इनका भाई रावण डीजे, अगर पता हो, अगर मैं अगर गलत हूँ तो सही कर देना यार कमेंट करके। और इनका भी टेस्टिंग पता चला है कि 26-27 को होगा। फिलहाल अभी जो भी लोडिंग है, जैसा भी इनका सेटअप है, कहाँ तक तैयारी पहुँची है, सारा मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब कल दिखाऊंगा इसके आगे कहाँ तक ये वीडियो अपडेट पहुँचती है, कहाँ तक डीजे का काम पहुँचता है। और ये गाड़ी मेरे सामने ये है प्रिंस, ये लाइनर लगा रहा है भाई, ये लाइनर लगा रहा है। ऐसे ऐसे धारा तो समझ लीजिए हजारों खड़े हैं, सच बता रहा हूँ। चलते चलते मैं खुद थक गया हूँ भाई। ये है प्रिंस डीजे और इनके पे भी लाइनर चढ़ रहा है, इनका भी सेटअप बहुत ही प्यारा लग रहा है। भैया ये गाड़ी कब जाएगी, कोई आइडिया है आपको? नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं भैया, कोई आइडिया नहीं। भाई ये है कसाना डीजे, जो कि फाइट में मुझे लगता है कि नंबर 1 यही आएगी। इनकी फाइट जो लगता है मोनू से है, धड़कन से है, आरपीएम से है और सार्जेंट से होगी। लेकिन इन्होंने तो सार्जेंट को क्या बोलते हैं कि सम्मानित किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन होगी। फिलहाल देखा जाएगा आगे। और इनका भी गाड़ी लगभग 27 को निकलेगा, और जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आपको दूंगा, क्योंकि लाइटिंग अभी इन पे चढ़ी नहीं है, लाइटिंग अभी चढ़ना बाकी है, तो जो कि कल काम होगा इस पे लाइटिंग का। बहुत तगड़ी लोडिंग है भाई, बहुत तगड़ी।